धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। आज से पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। 97 खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने पैराग्लाइडर्स को रवाना किया और हवन के बाद हरी झंडी दिखाकर पैराग्लाइडर्स को रवाना किया गया। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि इस तरह के इवेंट धर्मशाला में पहली बार नहीं करवाया जा रहा है। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से टेक ऑफ साइट सुरक्षित साइट है। सुधीर शर्मा ने बताया कि मनाली के माउंटेनियर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है ताकि अगर कोई पायलट रास्ता भटक जाता है तो उसे जल्द से रेस्क्यू किया जा सके। सभी पायलट जीपीएस के साथ फ्लाई करेंगे। धर्मशाला के निर्वाणा में प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप का शुभारंभ हो चुका है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने हरी झंडी देकर पैराग्लाइडर को रवाना किया है। आप ये देख सकते हैं कि पैराग्लाइडर जो हैं वो उड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ वक्त जो है वो यहाँ पर लगेगा क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है, भीड़ ज़्यादा है और आसमान में आपको मानव परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। ये देखिए आसमान में किस तरह से जो है वो पैराग्लाइडर उड़ रहे हैं। हालाँकि ये प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप है, इसमें अभी तक 97 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और एक एक करके जो है वो पैराग्लाइडर यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। इसी में सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये साइट बिल्कुल ही सेफ मानी गई है और पहला प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप यहाँ पर हो रहा है और आने वाले अगले साल तक जो है वो विधायक ने ये उम्मीद जताई है कि यहाँ पर क्रॉस कंट्री वर्ल्ड कप करवाने का भी यहाँ पर प्रयास जो है वो रहेगा, क्योंकि टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के रास्ते जो राह है, पर्यटन की राह है, उस पर कहीं ना कहीं निखारना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। हो गया धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा ने हवन के बाद इस इवेंट की शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाई इसको, तो पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज किया गया। भारत में रहकर हिंदी बोलना आसान नहीं है क्योंकि अमेरिका मूल से ही रहने वाले हैं। अमेरिका के जो हैं वो अमेरिका में पले बड़े हुए हैं, शिक्षा वहाँ की है और अब हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बीड़ बिलिंग मीनू ने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में भी भाग लिया था और आज ये प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। पहले तो आपको बता दें कि इनका नाम है जिन और हिंदी बड़ी प्यारी बोलते हैं। अब इन्हीं के मुँह से आप हिंदी सुनिए, क्या नाम क्या आपका? जिन। कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिका से हूँ। पहले तो हैरानी ये होती है कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। कहाँ से सीखी हिंदी? बीड़ रहती, मतलब नहीं सीखा, ऐसे बात करके पता चला। किस किस के साथ बात करते थे, कैसे आपने हिंदी बोलना सीखा? मैं पैराग्लाइडिंग सीखी थी और उस टाइम पे मेरा पूरा गुरु इंग्लिश अच्छा नहीं बोलता था, फिर सीखना पड़ता था। तो हिंदी में बात करते हैं, कुछ जुबान लड़खड़ाती है आपकी? मतलब मजा आता है, एक सारी भाषा के लिए एक अलग अलग का महसूस है ना, इंडियन का महसूस, हिंदी का महसूस अच्छा लगता है। भारत की बात करें तो भारत आपको कैसा लगता है? भारत की भारत मतलब यहाँ का जगह? इंडिया। अच्छा 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 लगता है। हाँ, मुझे यहाँ खुश होते हो। और इंडिया के लोग? इंडियन लोग बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है। क्रॉस कंट्री वर्ल्ड कप अभी हाल ही में बीड़ में हुआ है, बीड़ में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, आज आप प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कैसा यहाँ की साइट कैसी है और व्यू कैसा है यहाँ का? यहाँ तो बहुत सुंदर है ना, यहाँ धर्मशाला के नज़दीक बहुत अच्छा जगह है और थोड़ा छोटी साइट है, बीड़ देखने तो फिर एक्यूरेसी के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एक्यूरेसी मतलब ऊपर हवा में कोई फ़र्क नहीं है ना, पहुँचने के लिए कहाँ पहुँचेगा उसमें है, फिर यहाँ के लिए बहुत एक्यूरेसी के लिए बहुत अच्छा है जगह। और कितने लोग हैं जो आपके साथ हिंदी में बात करते हैं, अमेरिका वाले? अमेरिका वाले कोई और हिंदी नहीं करता ना, बात इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, इंग्लिश में। हाँ, अमेरिका मतलब अमेरिका में मम्मी पापा इंग्लिश है ना। उनको भी सिखाएंगे इंग्लिश हिंदी? नहीं, पिछले बार मेरे पापा आया, वो बोला बिल्कुल नहीं सीखूंगा।
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये जिन थी जो काफ़ी फेमस भी हुई थी, हमें ये बीट बिलिंग में मिली थी और उस दौरान भी हमारे चैनल ने इस महिला के जो वीडियो था उसको बहुत ध्यान से चलाते हुए ये वीडियो चलाया था और वीडियो चलाने के बाद बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमस ये जिन हुई थी और आज ये धर्मशाला के नरवाना में पहुँच चुकी है, जहाँ पर जिन जो है अब हिंदी में बात करके लोगों का मन भी मोह रही है और एक साल के तकरीबन इसको यहाँ हिंदी सीखते हुए हो गया है। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।